गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज मैं आपको सोशल स्टडीज पढ़ा रही हूँ, आपको पता है। इसमें मैं आपको बता रही थी एनवायरमेंट के बारे में, और इसमें मैं आपको सोशल स्टडीज में एनवायरमेंट जो फर्स्ट लेसन है मैंने काफी पढ़ा दिया, थोड़ा सा बाकी है। और इसमें क्या बाकी है आपको बता दूं, ये जो मैंने दो टॉपिक लिखे हैं, एक तो है इकोसिस्टम और दूसरा है ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ये इकोसिस्टम क्या है, बहुत से लोग इनको का मतलब समझते हैं कि अगर आप किसी खाली जगह पर जाकर किसी खाली रूम में या किसी पहाड़ पे जाकर बोलते हैं तो वो आवाज वापस लौट के आती है, उसको बहुत से लोग इको समझते हैं। लेकिन सोशल स्टडीज में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इकोसिस्टम का मतलब बहुत मजेदार है, इसका मतलब होता है, पहले इसका मीनिंग ही कीजिए, इंटरेक्शन, INTERACTION, INTERACTION, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना या अच्छी तरह मिलजुल के एक साथ रहना। इंटरेक्शन बिटवीन, किसके बीच में, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, कितनी चीजें हैं उन दोनों के बीच में एक तालमेल बनाना, तालमेल बना के रखने को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक नई टर्मिनोलॉजी शुरू हुई है इकोसिस्टम नाम की, जैसे इकोलॉजी पढ़ा होगा आपने, पता नहीं पढ़ा कि नहीं इसमें, लेकिन इको जो इकोलॉजी है उसी से ये इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। इसमें क्या है, इसका जो साइज है इकोसिस्टम का, ये घटता बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम, जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड माने तालाब, ठीक है। आप उस तालाब में देखते हैं वहां पर शिकारी की बेल भी होती है, पानी की घास भी होती है जिसको हम जवार कहते हैं, मछलियां भी होती है, कमल के फूल भी होते हैं उधर। इसके अलावा कुछ छोटी मछली, कुछ बड़ी मछली, मेंढक, मच्छर, ये सारी की सारी चीजें पॉन्ड्स में होती है ना। और कभी कभी इतने अजीब अजीब जानवर होते हैं, रंग बिरंगे भी होते हैं और हमको देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बगुले होते हैं, क्रेन, जो पॉन्ड के पास में बैठे होते हैं, डक होती है, बतख होती है जो पैडल करती है, इतनी सारी चीजें होती है। और जब ये सब चीजें एक साथ होती है बच्चों, तो इनको इंटरेक्शन कहा जाता है। इससे जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा नेचर है, ये डेवलप होता है। इतनी सारी चीजें एक साथ पानी में होती है, मछली है, मेंढक है, फिश है, फ्रॉग है, लोटस है, डक है, क्रेन है, और सिपाही की बेल है, तलवार है, ये सारी चीजें होती है। जब एक साथ होती है तब उसको कहा जाता है कि आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही, और इसको कहा जाता है इकोसिस्टम। नेचर में ये इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अगर इकोसिस्टम नहीं होता है, देखिए कई ऐसी चीजें होती है जो पानी को, ऐसे जानवर होते हैं जो पानी को साफ करते हैं, क्लीन कर देते हैं, जैसे कछुआ, टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस भी होता है अगर गहरा पानी है तो,
हमारा इकोसिस्टम क्या हम इसको कहते हैं इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म। जो एनवायरनमेंट है वो और ऑर्गेनिज्म के बीच में सभी एक साथ रहते हैं तो इसको इंटरेक्शन कहा जाता है। अब होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये भी बड़ी मजेदार चीज होती है। देखिए जो मनुष्य है व्यक्ति विशेष है ये बहुत होशियार होता है और ये क्या करते हैं एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देखिए गर्मी पड़ रही है आपके यहाँ 100% बच्चों के घर में कूलर होगा जिससे ठंडी हवा आती है। इस गर्मी को हमने उसका मौसम ही बदल दिया। इसके अलावा जैसे इसके घर में एसी लगा है उनको तो और मजा है, एसी से बाहर ही नहीं निकलते, उन्होंने तो शिमला बना लिया, ठीक है कुल्लू मनाली बना लिया, बहुत ही आनंद आ गया, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा है। इसी तरह जब सर्दी आती है तो घर में हीटर लगा लेते हैं, जिनके पास हीटर नहीं है रसाई ओढ़ लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं जिससे कि घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। मतलब मौसम को हमने अपने घरों में बदल दिया है। जब पानी बरसता है चाय पकौड़ी खाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कब बरसात का मौसम आनंद के साथ निकल गया है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो मनुष्य है वो अपने अनुसार एनवायरनमेंट को चेंज कर लेता है। एक चीज और आती है जिसको एडेप्टेशन कहते हैं, मतलब एडॉप्ट कर लेना। आप जहाँ रह रहे हैं उसके अनुसार अपने को ढाल लेना। जैसे आप पहाड़ों पर देखिए तो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी जो स्किन होती है थोड़ी फट जाती है, लेकिन पहाड़ के उस मौसम में भी उनको अच्छी तरह से आराम से रहना आ जाता है। उनको ठंड तो लगती है लेकिन फिर भी उनकी आदत पड़ चुकी होती है उस ठंड में रहने की, तो वो उसमें आराम से रह लेते हैं। ठंडा और टाइगर के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ तो सिर्फ फल भी रहती है और तो छोड़िए वहाँ पर और कुछ वनस्पति भी नहीं होती, लेकिन वहाँ भी लोग रहते हैं बर्फ के अंदर छेद कर लेते हैं। उस छेद के अंदर उन्होंने कमरे बना रखे हैं और उन कमरों में जो तीर मछली होती है उसकी चर्बी को जलाकर वो उजाला कर लेते हैं और साल भर वो तीन मछली या ऐसे ही बर्फ को खोदकर अंदर जो मछलियां होती है उनको पकड़कर वो अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई दूसरी चीज खाने की होती ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपने को वातावरण में ऐसा ढाल लिया है बच्चों कि उनको जब इधर इस तरफ लाया गया दो तीन लोगों को पकड़कर अमेरिका में और यूएस के उधर, तो उसकी डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? क्योंकि उनको यहाँ इतनी गर्मी लग रही थी, इस गर्मी में वो नहीं रह पाए, उनको आदत है उस ठंड में रहने की, तो उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो उस वातावरण के अनुसार ही उन्होंने रहना सीख लिया। आपको पता है जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया का टेम्परेचर जो कि सी कोस्ट है तो मॉडरेट रहता है। अब साउथ इंडिया के लोग जब यूपी एमपी बिहार की तरफ आते हैं यहाँ तो बहुत ठंड पड़ती है, उनके हिसाब से वहां तो ठंड ही नहीं पड़ती। तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी वो साउथ इंडिया की थी और बहुत पहले की बात है जब हम लोगों के यहाँ स्वेटर हाथ से बुने जाते थे, तो हर घर में आप देखिए सर्दी शुरू होते ही बच्चों के लिए टॉप और स्वेटर कोट टाइप स्वेटर ये सब दादी और मदर बुनने लगती थी, निटिंग करने लगती थी, क्लॉथ है ना ये सब चीजें, शॉल
में जो भी हो खाने लगे लगे है वहाँ उनको खाने के लिए गर्दन उठानी पड़ती है तो उनकी गर्दन लंबी होगी। क्या ज्यादातर बकरियां पाली जाती है क्योंकि छोटे छोटे जो यहाँ पर ये होते थे पौधे उनको खाकर बकरियां जीवित रहती थी। इसी तरह जहाँ पर बहुत पानी की मात्रा होती है वहाँ गाय भैंस बैल ये सब पाले जाते हैं और उनका जीवन यापन उसी तरह होता है। इसको हम कहते हैं ह्यूमन एडेप्टेशन। जो ह्यूमन होता है ह्यूमन बीइंग होता है वो इस तरह अपने को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। और इतना ही नहीं जो खाना है भोजन है उसको भी हम अपने अकॉर्डिंग इसी तरह चेंज कर लेते हैं। जैसे आप देखिए बंगाल वेस्ट बंगाल वहाँ मछली बहुत होती है वहाँ पर मछली माछेर झोल तो माछेर झोल कहते हैं जो वहाँ का बहुत फेमस होता है और वहाँ पर मछली बहुत खाई जाती है। केरला देख लीजिए केरला में तो यह हाल है कि शाम के समय मैंने देखा लेडीज जो है जैसे थालियाँ होती है खाली टाइप लेकर के और एक टेबल उन्होंने बिछा रखी थी उस टेबल पे कपड़ा लिखा हुआ था और उस टेबल पे वो कुछ सेल कर रही थी। मैंने सोचा ये क्या चीज सेल कर रही है दूर से दिख नहीं रही थी। तो साथ के लोगों ने बताया कि जो छोटी छोटी मछलियाँ होती है ना उनको ये सेल करते हैं जो गरीब लोग लेते हैं क्योंकि वो बड़ी मछली नहीं खरीद पाते और इनको मछली पानी होती है तो फिर समुद्र है कोस्टल एरिया है तो सी फूड ही मिलता है। आप गोवा में जाइए वहाँ सी फूड बड़ा पॉपुलर है ठीक है। कई जगह पर आप जाइए वहाँ लिखा होता है कि यहाँ पर बीफ मिलता है तो वन हम लोग पूजा करते हैं लेकिन वहाँ पर खाया जाता है। तो इन चीजों को मनुष्य ने अपने अनुसार प्रकृति को बना दिया है उसने एडेप्ट कर दिया है इसीलिए अब हम इसको कहते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल में अब आप समझ गए होंगे कि एनवायरनमेंट क्या होता है कितने तरीके का होता है इको सिस्टम क्या होता है मैंने आपको इजीली समझाया। अब आप ऐसा कहिए सबमेटिव एक्सपेरिमेंट हमने आपसे कहा था आपने फॉर्मेटिव जरूर कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत इजी था। अब सबमेटिव एक्सपेरिमेंट में सॉरी एसेसमेंट में वह ए बी सी और डी ये चारों आपको करने हैं। आप बुक खोलिए बुक में आपको ए बी सी डी ये चारों आपको समय के रेसिस्टेंस करने हैं। अपनी कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिखने के बाद आपको लर्न भी करना है क्योंकि जैसे ही आप स्कूल आएंगे हो सकता है आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाए क्योंकि काफी टाइम निकल गया है। और याद रखिए ये लेसन अच्छी तरह लर्न करिएगा क्योंकि आपको फिर नहीं पढ़ाए जाएंगे क्योंकि कोर्स खत्म तो करना ही है ठीक है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही कर रही हूँ क्योंकि लेसन खत्म हो गया है कल हम एक दूसरा लेसन स्टार्ट करें। तो आज खूब पढ़िए होमवर्क कर लीजिए उसके बाद खेलिए और भगवान से प्रार्थना करिए जल्दी जल्दी ये कोविड 19 खत्म हो जाए और हम और आप फिर आपस में मिल सके ठीक है ना। ओके बेटा बाय ऑल द